सोलन में ठाकुर कोल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और प्रदेश के मुखिया भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों पर ही कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखी चोट करते हुए कहा कि मंडी में करोड़ों रुपयों की दवाइयां बिना रेट काउंटरकट के खरीदी गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने मामला उजागर किया, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय विभिन्न भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को और भी ऊंची और मलाईदार पोस्टों पर बिठाया गया। कोल सिंह ने भाजपा सरकार को चुनौती दी और कहा कि जो चार्जशीट भाजपा ने तैयार की थी उसका 2.5 वर्षो में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वे चार्जशीट केवल हिमाचल की जनता को भ्रमित करने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर की भर्ती का आरोप भाजपा ने उन पर लगाया। एसआरएल की जांच के बाद भाजपा ने कही थी, लेकिन आज भी ये लैब चल रही है। उन्होंने कहा कि वे 40 वर्षों से ईमानदारी से प्रदेश की जनता की सेवा करते आ रहे हैं और उन पर आज तक कोई भी दाग नहीं लगा है, इसलिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछ रहे हैं कि जो चार्जशीट आपने बनाई थी क्या वह एक चुनावी स्टंट था और क्या वह लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपने चेहतों को चाहे लोकनिर्माण विभाग है, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, वो बिना टेंडर के बिना रेट कॉन्ट्रैक्ट के उनको काम दे रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। मैंने मंडी में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मंडी का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उस वक्त का, उसने बड़ी दवाइयां जो है अब ज़्यादा रेट पे खरीदी है, उपकरण ज़्यादा रेट पे खरीदे हैं और वित्तीय अनियमितताएँ कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं तो अपोजिशन वाले हैं, बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद ऑडिटर जब रिपोर्ट हुआ, ऑडिटर आए फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने निकाला कि 7,83,00,000 रुपए का जो है, उन्होंने कहा कि बिना रेट कॉन्ट्रैक्ट के ये सारा काम जो है सीएमओ मंडी ने दिया है और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बाद पहले एक पत्र बम निकला, जैसे आप जानते हैं, एक शिकायत आई कि दवाइयों के रेट और उपकरणों के रेट ज़्यादा रेट खरीदे जा रहे हैं पालमपुर से। और इसकी छानबीन करने के अलावा आमतौर पर जो शिकायत करता है उसकी FIR होती है, छानबीन की जाती है, उन शिकायतकर्ता के खिलाफ ही केस बना दिया। ऐसी सरकार देखी आज तक आपने? मुख्यमंत्री को खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी मेरे खिलाफ, कहते ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ बहुत कुछ है। मैं चुनौती देता हूँ कि जो चार्जशीट आपने दी है हमारे खिलाफ, 2.5 साल में चार्जशीट का क्या हुआ? लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या? खिलाफ है मेरी 40 साल की राजनीति में हमने ईमानदारी के साथ काम किया है, कोई दाग हम पर नहीं लगाए और मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उस वक्त कहा थी आशा वर्कर की भर्ती में नियमितता हुई है, इन्हें छानबीन कराई, उनका सब कुछ ठीक हुई है। उनका कोई ऑक्सीजन प्लांट की बात की, वो तो हाईकोर्ट से केस हुआ, हाईकोर्ट ने कहा कि यह ठीक अलॉट हुआ है। उनका को एक SRL लैब की बात थी, अभी वो भी काम कर रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आपने चार्जशीट दी थी जयराम जी, पहले उस चार्जशीट को तो इम्प्लीमेंट करो, देखो कोई निकलता है कुछ कि नहीं, लोगों को गुमराह मत करो हिमाचल के लोगों को।